नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, बट उसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको मार्केट को छोड़ना कब है। देखिए, एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता है, उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एकदम बिगिनर के लिए काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है। एज ए एग्जाम्पल, आज को मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का ऊपर बेस करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आज को देखिए, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है। अगर आप पिछले दिन का चार्ट देखेंगे, यहाँ पर ये जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये आपका सिग्नल है। जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिटेल्स आ जाता है, जो कौन सा बेल में कॉल दिया है, टारगेट, स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, ये जो सेल का कॉल बना है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन होता है। सेलिंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए। रेड है इसका मतलब है मार्केट में परसेंटेज वाइज सेलर्स का परिमाण ज्यादा है। तो ये आपका पहला कंडीशन, सेलिंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, सेल का कॉल का पहले स्टार बनना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, नीचे वाला जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसका कलर रेड होना चाहिए और ये व्हाइट का नीचे होना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होता है तो ही जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदर इज नॉट। तो लॉजिकली ये कॉल सही था और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी दिखा। तो चलिए देखते हैं आज को किस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मार्केट शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे करके ये मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर हर एक इंडिकेटर आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो क्रॉस ओवर होगी, इसका कलर ग्रीन हो गया, तो ये संकेत दे रहा है जो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। देखिए, आज सुबह मार्केट ओपन होते ही नीचे का जो ब्रिक्स है उसका कलर ब्लू हो गया था। पहले उसका कलर रेड था, ब्लू होने का मतलब है यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन होने लगा। और जहां पर ये वाइड लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, समझ जाना है जो मार्केट का जो पोजिशन है वो बाइंग की तरफ चला गया। बट आप वेट कीजिएगा कोई फ्रेश कॉल के लिए। जैसे यहाँ पर एक फ्रेश बाय का कॉल मिला, जैसे कॉल मिलेगा आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो रेड कलर का बॉक्स था वो हटके अभी ये बाइंग का कॉल आ गया है, और बाइंग का डिटेल्स आपको शो कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये बाय का कॉल सही है? इसमें भी वही सेम कंडीशन आपको देखना है, जो बाइंग का टाइम नीचे का रिबन का कलर ग्रीन है या नहीं, बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बनाए कि नहीं, और नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है उसको ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर जाना चाहिए। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होते हैं तो इसका मतलब है कॉल सही है, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री लेने का बाद देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट को अचीव कर दिया। अब बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग टारगेट मिल जाने से निकल जाते हैं, बट कभी कभार मार्केट क्या होता है, टारगेट से भी काफी लंबा प्रॉफिट देखे जाता है। ऐसा केस में आपको नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है उसको फॉलो करना है। जैसे देखिए, यहां पर ब्रिक्स का कलर ब्लू हुआ, मतलब इस कैंडल पे आके आपको पता चला जो मार्केट का जो सेफ जोन था वो खत्म हो गया है। अब ब्रिक्स का कलर ब्लू एंड रेड होने का मतलब है यहां पर धीरे धीरे सेलर्स बढ़ रहा है। अब आप यहां पर तब तक वेट कर सकते हैं जब तक मिडिल का ये जो दोनों लाइन है आपस में क्रॉसओवर होकर इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, या फिर आप ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को भी थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे नहीं आता है, तब तक आप अपना पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग का एग्जिट का तरीका है ये काफी प्रोमिनेंट है। आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं तो आपको यहां पर निकाल रहे हैं, लगभग मार्केट का टॉप लेवल में सॉफ्टवेयर आपको एग्जिट करा रहा है। तो अगर आप अपना एग्जिट को प्रोमिनेंट बना लिए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, टारगेट तो आपको यहां पर ही मिल गया था 40-50 पॉइंट में, बट ये अगर आप एग्जिट तक वेट करते तो 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ये जो प्रॉफिट इंक्रीज करने का तरीका है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा जो मार्केट से निकलना कब है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।
एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसा हम लोग एलएक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर फ्यूचर मार्केट, इसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का साथ ऑप्शन के साथ साथ स्टॉक ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।